पाकिस्तान की सरकार के सामने महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी की समस्याएं तो पहले ही थी, अब एक नई समस्या पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के सामने आ गई है। ये समस्या है पाकिस्तान के टूटने की। पाकिस्तान के अंदर कई सारे पाकिस्तान बनाने की प्लानिंग चल रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम के आतंकी संगठन के जरिए अफगानिस्तान में बैठे कई लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के कबायली इलाके में शरिया कानून शासित इलाका बनाने की मांग हो रही है। अब पाकिस्तान के खिलाफ ही जिहाद का ऐलान हो गया है और इससे शहबाज शरीफ सरकार घबरा गई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सिर पर पहले से ही पाकिस्तानी सैनिकों के सैकड़ों बच्चों की हत्या के आरोप हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी आतंकियों को मनाने के लिए पाकिस्तान की सरकार मौलानाओं का एक दल अफगानिस्तान भेजने वाली है। ये मौलाना टीटीपी आतंकियों और पाकिस्तान सरकार के बीच मध्यस्थता कर रहे तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान सरकार किसी भी कीमत पर इस प्लान को कामयाब नहीं होने देना चाहती, लेकिन दूसरी तरफ टीटीपी शरिया कानून से शासित इलाका बनाने और जिहाद के ऐलान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार सिर्फ टीटीपी के आतंकियों को सीज वायर के लिए ही मना सकती है। पाकिस्तान से कुल 13 मौलाना काबुल जा रहे हैं, इसमें खैबर पख्तूनवा के इलाके के उलेमा भी शामिल किए जाएंगे क्योंकि इनकी हक्कानी नेटवर्क के साथ संबंध गहरे हैं। पाकिस्तान को टूटने से बचाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें पाकिस्तानी उलेमा काबुल में टीटीपी कमांडरों के साथ आमने सामने बैठकर बात करेंगे। पाकिस्तानी उलेमा सिराजुद्दीन हक्कानी की मदद लेंगे ताकि टीटीपी के साथ सीजवायर को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके। यह प्रतिनिधिमंडल टीटीपी के आतंकवादियों को यह मनाने की कोशिश करेगा कि वो आदिवासी इलाके को स्वायत्त इलाका बनाने की मांग छोड़ दे, जिसे पाकिस्तानी संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर खैबर पख्तूनवा प्रांत का हिस्सा बना दिया था। टीटीपी इस आदिवासी इलाके में अपनी इस्लामिक सरकार बनाना चाह रही है, जहां पाकिस्तान के कानूनों से अलग शरिया कानून से शासन चलेगा। यही नहीं, इस इलाके से पाकिस्तानी सेना को भी हटना होगा। इसके अलावा टीटीपी ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ रखा है। पाकिस्तानी मौलाना अब टीटीपी को यह जिहाद बंद करने के लिए भी मनाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की सूचना मंत्री का कहना है कि टीटीपी के साथ हो रही इस ताजा बातचीत में सरकार और पाकिस्तानी सेना दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान में टीटीपी के साथ हो रही विवादित डील पर विरोध भी तेज हो गया है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि संसद को नई पहल पर विश्वास में लिया जाना चाहिए। तो लब्बो लुआब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के टुकड़े किए जाने की प्लानिंग हो रही है और सरकार के सामने नई मुश्किलें पैदा हुई हैं और आतंकवादी पीछे हटने को तैयार नहीं है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।